अब खबर जयपुर से है, जहां महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी में एकेडमी ऑफ लॉ की ओर से फेयरवेल 2022 आयोजित हुआ, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भावी वकीलों ने डांस प्रस्तुति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पेशकश की और समा बांधा, तो वहीं चेयरपर्सन निर्मल पवार ने भावी वकीलों को शुभकामनाएं दी, साथ ही भविष्य में बड़े वकील और जज बनने का आशीर्वाद भी दिया। स्टूडेंट्स का आप देख रहे हैं कि ये फेयरवेल नहीं, इनकी फ्यूचर वेलनेस के लिए ये कार्यक्रम है। साथ ही मैंने जैसे आपको पहले भी निवेदन किया था, पिछले वर्ष एक रिकॉर्ड सिलेक्शन था जुडिशियल सर्विसेज में, लगभग 13 बच्चे इस लॉ डिपार्टमेंट के यूनिवर्सिटी के सेलेक्ट हुए और अभी ट्रेनिंग के बाद उनकी पोस्टिंग शुरू हुई। ऐसे अनेकों जगह लॉ ऑफिसर्स, कंपनीज में सीईओज, लॉ एडवाइजर, लॉ इन पदों पर तैनात हुए हैं। उनका एक वजूद है, उनकी प्रोग्रेस है। मैं आगे भी भविष्य में इनको कामना करता हूं कि जहां प्रोग्रेस होती है वहां डेवलपमेंट होती है।